सो हेलो एवरीवन, ये स्टोरी न्यू है इसीलिए वीक में सिर्फ इसका एक ही पार्ट आएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इस कहानी के मेन लीड को देखते हैं, जियान जो मार्केट में ऑयल बेच रहा था। तो तभी उस मार्केट में से एक पालकी निकलती है जिसमें एक गर्ल बैठी थी जिसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। तो सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। ऑटोनस यानी कि वेसिया के रूम में जो फ्लावर्स है, जब वो कमरे में जाएगी तो वो फ्लावर्स शर्म के मारे मुरझा जाएंगे और सारे के सारे लोग उसकी बहुत ही ज्यादा बुराई करने लगते हैं। तो जियान ये देखकर कट के कर डायरेक्टर को बुलाता है, यानी कि यहाँ पर शूटिंग चल रही थी। वो कहता है कि ये बाला है कौन, लेकिन डायरेक्टर बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जियान के बार बार कहने पर वो कह देता है कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड को आज रेड कार्पेट पर वॉक करना था, इसीलिए उसने आज छुट्टी ली है। तो वो गुस्से से उसे कॉल करता है और कहता है आज शूटिंग का पहला दिन है और तुम नहीं आई तो अब से तुम मत आना, और ये कहकर कॉल काट देता है और उसकी जगह पर वो मास्क पहनकर आ जाता है। वो कहता है कि परेड से पहले इन कोटोनेस मारी गई थी, इसी वजह से हर कोई डरा हुआ है। फिर जब वो कोटोनेस बनकर आता है तो उसका मास्क निकल जाता है। तो तभी हमारी इस स्टोरी की फीमेल लीड युनजू आकर उसे उसका मास्क देती है फिर से पहनने के लिए। उसके बाद काफी सारी गर्ल्स जियान के पास आकर उसकी तारीफें करने लगती है, और तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड युनजू आकर उसे बचाती है, और यहाँ पर एक किस सीन आता है तो जिसे वो शूट करने जाते हैं, जिस पर जियांग बार बार कट कह देता है, और फिर वो गुस्से से स्क्रिप्ट राइटर के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस है या नहीं। इस स्टोरी में मेन लीड प्रोसिक्यूटर है और ट्रोई की फीमेल लीड कोटोजेन है। वो दोनों हमेशा एक साथ कैसे रह सकते हैं, और हर किसी न किसी सीन में वो दोनों किस करते हैं, जिस पर स्क्रिप्ट राइटर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस पर जियान कहता है हमें एक अच्छा शो करना है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में ही किस सीन है। तो जिस पर वो कहती है अगर हमने पहले एपिसोड में ही किस सीन शूट नहीं किया तो ऑडियंस को मजा नहीं आएगा और उसे शो पसंद नहीं आएगा। जियान कहता है मैं रोमांटिक ड्रामा नहीं बनाना चाहता, हमें पहले शो में थोड़ी फाइटिंग सीन, कुछ एक्सीडेंट, उसके बाद रोमांटिक सीन शूट करने होंगे ताकि शो अच्छा बने। तो वो लोग फिर से शूटिंग करने लगते हैं, लेकिन फिर भी जियान को पसंद नहीं आता और वो फिर से स्क्रिप्ट राइटर को बुलाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें स्टोरी चेंज करने को कही थी, जैसी थी वैसी दोबारा नहीं कही थी, कुछ अच्छा सा टॉपिक ढूंढो ताकि शो की अच्छी रेटिंग हो। तो वो फिर से स्क्रिप्ट लिखने लगती है। फिर जियान के पास एक गर्ल आती है और उसे दलिया खाने को देती है, जिसे खाकर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगता है, लेकिन आप ही देख लो। फिर से जियान कट कह देता है और कहता है ये सीन तो काफी पुराना है, क्या तुमने कुछ अच्छा और नया नहीं सोचा। ओ गॉड, सच में आज स्क्रिप्ट राइटर को टाइपिंग करा करा के उसका दलिया बना देने वाला है। तो तभी वो गर्ल जो दलिया लेकर आई थी वो उसे पीछे से एक डंडा मारकर उसे सोला देती है, क्योंकि उन लोगों को वो शूट कंप्लीट करना था और ये प्लान युनजू का था। युनजू उस गर्ल को पैसे देती है। जब जियान होश में आता है तो वो कहता है मैं सोच ही रहा था कि मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है, और ये कहकर रोने लगता है। वो कहती है तुम रोना बंद करो। तो सारे के सारे लोग जियान का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं ऐसी होती है इंपीरियल ऑफिशियल की फोटोनेस जो ऑडियंस को पसंद आती है। तो जिस पर जियान फिर से रोने लगता है और कहता है मैंने हार मान ली। तो रोते हुए वो फिर से स्क्रिप्ट राइटर के पास जाता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि आपको रोमांटिक स्टोरी बनानी है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसी स्टोरी बनाइए जिसमें सक्सेसफुल मैन एंड इनोसेंसी गर्ल, ऐसी कुछ हट के सोचो जिसमें ऑडियंस आगे क्या होगा इसमें दिलचस्पी ले, वरना आजकल की ऑडियंस 30 सेकंड से ज्यादा शो को नहीं देखती क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं आती, इसीलिए कुछ और सोचो तुरंत ही। और काफी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट राइटर दोबारा से स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाती है। फिर जियान थोड़ी हवा लेने जाता है तो वहाँ पर सारी गर्ल्स उसे घूरने लगती है। तो तभी एक गर्ल कहती है तुम लौट को ऐसे मत घूरो वरना युनजू देख लेगी तो हमारी खैर नहीं। तो तभी वहाँ पर युनजू ये देखकर काफी जेलस होती है और उसके पास आकर उसे कहती है क्या मैंने तुम्हें ऊपर वेट करने को नहीं कहा था मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तो वो कहता है मैं अभी शूट नहीं करने वाला, मैं थक चुका हूँ, लेकिन वो उसके करीब जाकर उसकी हेयर बिन लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही जियान पीछे मुड़ता है तो वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। तो जिस पर जियान उसे धकेल देता है तो युनजू उसे पकड़ लेती है और वो दोनों एक साथ ही नीचे गिर जाते हैं, और कुछ ऐसा सीन हो जाता है जिस पर वो दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं और युनजू सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जियान युनजू के लिए तोहफा लेकर जा रहा था और उसके बारे में सोच रहा था कि वो बस एक्सीडेंट था। युनजू के लिए उसके दिल में उसकी फीलिंग्स होने लगी थी। दूसरी तरफ युनजू भी अपने आप को शांत करा रही थी
और अपने आप से कहती है, यूंजो तुम यहाँ पर एक मिशन के लिए आई हो। तभी वहाँ पर एक काली हुडी पहनकर एक आदमी आता है और वो यूंजो को पकड़ के कहता है कि मुझे लगता है कि आजकल तुम काफी ज्यादा बिजी हो, लगता है लॉर्ड सी काफी तुम पर मेहरबान है। तो वो कहती है, मैं ये काम धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि किसी को कुछ पता ना चले और किसी को मुझ पर शक ना हो, और अब से सब कुछ मेरे हाथ में है और कल मैं उन्हें वो दूंगी जो वो चाहते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता नहीं चलता कि ये सब कुछ शूटिंग हो रही है या फिर हकीकत में यूंजू यहाँ पर कुछ कारण के लिए आई है जियान के पास। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।